और अब बात टॉर्च के टॉर्चर वाले इलाज की। हरदोई का जिला चिकित्सालय इलाज के नाम पर मरीजों के साथ खिलवाड़ का अड्डा बन गया है। इसकी बड़ी तस्वीर उस वक्त देखने को मिली जब बत्ती गुल हो जाने पर डॉक्टर्स टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज करना पड़ा। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि अस्पताल प्रशासन ने जनरेटर नहीं चलाया, एक घंटे तक बत्ती गुल रही। हरदोई के जिला चिकित्सालय में तैनात डॉक्टर्स का कोई तोड़ नहीं है। जितना मशहूर यहाँ का जिला चिकित्सालय है, उतने ही फेमस है यहाँ के डॉक्टर। जैसे अर्जुन को मछली की आंख के सिवाय कुछ नहीं दिखता था, वैसे ही इन्हें ऑपरेशन के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। इनकी काबिलियत ऐसी है कि ये टॉर्च की रोशनी में भी इलाज कर सकते हैं। हरदोई के डॉक्टर्स के इस हुनर पर जब भी किसी को शक होता है, यहाँ का बिजली विभाग तुरंत बिजली काट देता है। डॉक्टर मोबाइल की टॉर्च जलाकर इलाज करना शुरू कर देते हैं और अस्पताल प्रशासन जनरेटर चलाने तक की जहमत नहीं उठाता, क्योंकि उसको भी अपने डॉक्टर्स पर पूरा भरोसा है। हरदोई में मरीजों के साथ ऐसा खिलवाड़ हर रोज होता है और ऐसा ही कुछ शनिवार शाम 7 बजे को हुआ। जब एक मरीज को इमरजेंसी वार्ड में लाया गया, तभी अचानक बिजली गुल हो गई तो डॉक्टर ने टॉर्च में ही इलाज करना शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे तक बिजली व्यवस्था दुरुस्त हुई, तब तक टॉर्च की रोशनी में इलाज होता रहा। अस्पताल प्रशासन ने जनरेटर चलाने तक की जहमत नहीं उठाई और इसी बीच किसी ने इस पूरे इलाज का एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई है। सवाल उठने लगे तो जिला चिकित्सालय की CMS इस पर अपने अंदाज में ही सफाई देते नजर आए। किसी को आवश्यकता पड़ी है तो उसका टॉर्च से देख करके काम किया गया, टॉर्च जला करके। तो कट होना चाहिए लेकिन कभी कभी आ जाती कमी, तो तुरंत ठीक भी कराया जाता है। आजकल निर्माण कार्य चल रहा है मेडिकल कॉलेज का, तो कहीं कहीं लाइन कटिंग हो जाती है दुर्भाग्यवश, उसको तुरंत ठीक कराया जाता है। CMS साहब की माने तो यहाँ कभी कभी ऐसा होता है, लाइट जाते ही जनरेटर चला दिया जाता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब ये पूरा वाकया हुआ, तब 1 घंटे तक बिजली गायब रही लेकिन जनरेटर नहीं चलाया गया। डॉक्टर टॉर्च और मोमबत्ती की रोशनी में इलाज करते रहे। ऐसे में अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो किसकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि तब ये कहने से काम नहीं चलेगा कि कभी कभी ऐसा होता है। क्योंकि सच ये है कि हरदोई के जिला चिकित्सालय में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ हर रोज होता है। बिजली कटना और डॉक्टर्स का टॉर्च जलाकर इलाज करना रोज का हाल है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हरदोई के बीमार हो चुके सिस्टम का इलाज कब होगा, कब तक लोगों को टॉर्च की रोशनी में ही इलाज कराना होगा और कब तक डॉक्टर को अपने अर्जुन होने का प्रमाण देना होगा। इन सभी सवालों के जवाब हरदोई के स्वास्थ्य महकमे को सोचने चाहिए, जो चंद पैसे बचाने के चक्कर में जनरेटर नहीं चलाते और मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने के लिए छोड़ दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।